इसी कड़ी में यूपी भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बुलंदशहर पहुंचे। यहां उन्होंने जहांगीराबाद क्षेत्र में प्रबुद्ध जनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित किया और कांग्रेस सपा पर जमकर हमला बोला। 2017 से पहले जब माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं थे तो किस प्रकार से हमारे धार्मिक पर्व तीर्थ त्योहार को बाधित करने का काम किया जाता था। इतना ही नहीं, ओपी राजभर के भाजपा के साथ गठबंधन की चर्चा पर भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि ओपी राजभर से रिश्ते अच्छे हैं और वो भाजपा की विचारधारा से प्रभावित भी हैं। हालांकि गठबंधन किस दल से होगा ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। लेकिन वो हमारे साथ मंत्रिमंडल में रहे और हमारे उनसे अच्छे रिलेशन, हम लोग का एजेंडा जो हमारी विचारधारा से प्रभावित और मोदी जी के नेतृत्व में काम करना चाह रहे, हम सबको साथ। मिशन 80 के लिए भाजपा के नेता अलग अलग मोर्चों पर डटे हुए हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सुल्तानपुर में रहे। उत्तराखंड के मंत्री धन सिंह रावत ने भी सुल्तानपुर में जनसभा की। कौशाम्बी लोकसभा सीट में भी व्यापारी सम्मेलन किया गया। वहीं सैदपुर विधानसभा क्षेत्र में मोर्चा सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसके अलावा मेरठ में भी प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन हुआ।